नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और यार, जिस वीडियो का सभी RCB फैंस को इंतजार था वो वीडियो हम लेकर आ चुके हैं। RCB की ऑक्शन स्ट्रैटेजी वीडियो हम यहां पर लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नीलामी में किस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ में RCB की टीम उतरने वाली है। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर से देखते रहिएगा। और क्रिकेट और IPL की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। तो यार, IPL 2022 का जो मेगा ऑक्शन है वो 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होना है। और ऐसे में दोस्तों, स्ट्रैटेजी क्या होगी सभी टीम्स की, तो उसके ऊपर हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें सबसे पहली वीडियो है ये RCB की स्ट्रैटेजी की। और ऐसे ही हम सारी टीमों की स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियोज जो है वो बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो बात करेंगे अब सबसे पहले स्ट्रैटेजी की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई साहब, इन्होंने रिटेन किनको किया है। तो तीन प्लेयर्स इन्होंने रिटेन किए, इनके कप्तान पूर्व कप्तान विराट कोहली को, जिनको 15 करोड़ ये देते हैं अभी, क्योंकि 17 करोड़ पहले थे लेकिन 2 करोड़ इनके रिड्यूस हो गए इनके अमाउंट में से। इसके बाद दूसरे नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल को इन्होंने रिटेन किया, जिन्होंने हाल ही में बिग बैश में 154 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। और इसके अलावा तीसरा नाम है मोहम्मद सिराज का, जिनकी गेंदबाजी काफ़ी एक्यूरेट रही थी IPL सीजन 2021 में। अब बात करते हैं कि यार, इनकी ताकत क्या थी 2021 के सीजन में, मतलब कि इनकी स्ट्रांगनेस क्या थी। तो इनकी स्ट्रांगनेस इनकी बैटिंग नहीं बल्कि इनकी बॉलिंग थी, क्योंकि बैटिंग में हम देख रहे थे कि मैक्सी और AB के अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पा रहा था। देवदत्त पड़िक्कल भी कुछ खास नहीं थे। विराट कोहली ने जरूर 400 के आसपास रन बनाए लेकिन मैचेस काफी ज्यादा ले लिए, तो इस हिसाब से मतलब कुल मिलाकर मैक्सवेल के अलावा कोई भी खिलाड़ी ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा था बल्लेबाजी में, और उनके गेंदबाजों ने मैचेस ज़्यादा जिताए। तो इसी वजह से गेंदबाजी जो है ना वो इनकी ताकत रही थी। और इस गेंदबाजी आक्रमण के हीरो जो हैं वो रहे थे हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल और शाहबाज अहमद। ये चार खिलाड़ियों के इर्द गिर्द इनकी गेंदबाजी चलती थी। हालांकि कायल जेमिसन थे, जॉर्ज गार्टन भी आए, तो मतलब ये थोड़ा सा एंकर का रोल निभा रहे थे मतलब, लेकिन बाकी जो मेन जो थे ना वो ये चार खिलाड़ी थे। तो ये इनकी ताकत थी। तो इनकी सबसे पहली स्ट्रैटेजी की अगर बात करें ना, तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी यही होगी कि इन चारों में से कम तीन को तो वापस लाना, जिसमें पहला नाम तो हर्षल पटेल का पक्का है, क्योंकि हर्षल पटेल के पीछे ज़रूर ये जाने वाले हैं दोस्तों। दिल्ली कैपिटल से 20 लाख में ये ट्रेड हुए होकर आए थे RCB में, और 2021 के सीजन ये 20 लाख में खेले थे, लेकिन इस बार इन्होंने अपनी बेस प्राइस 2 करोड़ रखी है। और इनको भी पता है कि पर्पल कैप होल्डर रह चुके हैं, तो यार इतनी बेस प्राइस तो बनती है। और इसके अलावा दूसरा नाम आता है यूजी चहल को, मतलब 6 करोड़ देने के लिए राजी थी बैंगलोर की टीम, लेकिन यूजी चहल ने मना कर दिया कि मैं इससे ज़्यादा डिजर्व करता हूँ। और हो भी सकता है कि इस बार चहल जो है ना वो RCB से ना खेले, क्योंकि पर्स में उतना बैलेंस मौजूद है नहीं, और 6 करोड़ से ज़्यादा आप इनको दे नहीं सकते, क्योंकि फिर बाकी की टीम भी तो बनानी है। तो ऐसे में पंजाब की टीम के काफ़ी ज़्यादा आसार लग रहे हैं पंजाब और SRH की तरफ से कि चहल यहाँ पर खेल सकता है पंजाब और SRH में। इसके अलावा चेन्नई की टीम भी इंटरेस्टेड हो सकती है चहल में। बाकी जो RCB है ना वो 6 करोड़ से ज़्यादा इनको नहीं देगी, इतना कन्फर्म है। हो सकता है कि 1-2 करोड़ और बढ़ जाए लेकिन इससे ज़्यादा नहीं देगी, मतलब 10-12 करोड़ तो बिल्कुल भी नहीं देगी। इसके बाद बात करेंगे तीसरे खिलाड़ी की, तो तीसरे खिलाड़ी होंगे शाहबाज अहमद दोस्तों। इन्होंने इनकी बेस प्राइस में भी 20 या 50 लाख के आसपास होगी, तो इनको भी ये 2-3 करोड़ के आसपास खरीदना चाहेंगे। तो इन तीन खिलाड़ियों को ज़रूर से खरीदना चाहेंगे। इसके बाद बारी आती है कि ऑक्शन में से कौन कौन से खिलाड़ियों को लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों इनके पर्स में 57 करोड़ रुपये बचेंगे। तो उसके बाद मतलब अगर मान लीजिए कि हर्षल पर ये 6-7 करोड़ खर्च कर देते हैं, चहल पर 6-7 करोड़ और शाहबाज पर 2-3 करोड़ खर्च कर देते हैं, मतलब कुल मिलाकर मोटा मोटा 13-15 करोड़ रुपये इन तीन खिलाड़ियों पर अगर ये लगा देते हैं, तो फिर इनके पास में कुल 40-42 करोड़ रुपये पर्स में बचेंगे। और स्पॉट खाली रहेंगे इनके 19, यानी कि 25 मेंबर का स्क्वाड हो सकता है, मैक्सिमम 21 का भी हो जाता है। अगर 21 का स्क्वाड रखते हैं तो उस हिसाब से इनको हम कह सकते हैं कि 6 प्लेयर काट दिए तो 15 मेंबर और खरीदने होंगे। तो यहाँ पर 42 करोड़ में इन 15 की खरीदारी करनी होगी। और इसके अलावा सबसे मेन चीज़ कि इनको कप्तान भी खरीदना है, क्योंकि कप्तान नहीं है इनके पास में, और कप्तान के लिए डेविड वार्नर ही एकमात्र ऐसे विकल्प बचे हैं। हालांकि श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ये 2 के ऊपर भी विचार चल रहा है, लेकिन अगर डेविड वार्नर को ये खरीदने में कामयाब हो जाता है ना, तो फिर मुझे लगता है कि RCB का जो सपना है टाइटल जीतने का वो भी पूरा हो सकता है। तो डेविड वार्नर के ऊपर ज़रूर से ये 10-12 करोड़ रुपये खर्च करने वाले हैं। तो दोस्तों
बात करेंगे कि किन किन को ये टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले ओपनर्स की बात करें तो ओपनर्स में ऑप्शन क्या क्या है इनके पास में, तो ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इनके पास विराट कोहली ऑलरेडी हैं, इसके अलावा देवदत्त पड़िक्कल जो कि इनके पूर्व ओपनर रह चुके हैं इनको ये टारगेट कर सकते हैं, इसके अलावा न्यूजीलैंड की डेविन कॉनवे, शिखर धवन, क्विंटन डिकॉक, ईशान किशन, डेविड वॉर्नर, के एस भरत, रासी वंडर डुसन, इसके अलावा जॉनी बेस्ट और एलेक्स हेल्स, इन सारे ऑप्शन में से मतलब ये कुछ 9-10 ऑप्शन है, इनमें से कम 2 या 3 खिलाड़ी लेना चाहेंगे जिसमें से एक तो शायद हो सकता है कि ओवरसीज ले लें और 2 शायद मतलब मेन इनका मुद्दा रहेगा इंडियन प्लेयर्स के ऊपर क्योंकि ये अब अपने ओवरसीज खिलाड़ियों पर डिपेंड नहीं होना चाहते। तो ईशान किशन, शिखर धवन, इनमें से किसी एक को वो ले सकते हैं। इसके अलावा नीतीश राणा भी ओपन करते हैं तो नीतीश राणा पर भी ये दाव लगा सकते हैं। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं, राहुल त्रिपाठी के ऊपर दाव लगा सकते हैं, तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर ये ओपनिंग के लिए दाव लगाएंगे। इसके बाद बात करेंगे ओपनिंग में कितने खिलाड़ी खरीदेंगे, तो 2 से 3 ओपनर ये खरीदेंगे, इससे ज़्यादा ये नहीं खरीदेंगे, जिसमें एक ओवरसीज और दो तीन इंडियन ओपनर से खरीद सकते हैं, जिसमें हो सकता है कि कोई डोमेस्टिक से उठा ले जिसकी बेस प्राइस 20 लाख के आसपास हो, तो उन वहाँ से कोई प्लेयर उठा ले, जैसे कि के एस भरत थे, अच्छा परफॉर्म किया था, डोमेस्टिक प्लेयर हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि वहां से कुछ उठा ले। तो मतलब मैक्सिमम 4 प्लेयर ही ओपनिंग ऑप्शन के लिए चूज करेंगे। इसके बाद बात करेंगे मिडिल ऑर्डर की, तो मिडिल ऑर्डर के लिए इनके पास में ऑप्शंस की बात करें तो इनके पास में ईशान किशन है, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, सुरेश रैना, इसके अलावा डोमेस्टिक इंडियन टैलेंट, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि शिमरॉन हेटमायर, जिमी नीशम, केदार जाधव, मनीष पांडे, नीतीश राणा, मिचेल सैंटना, राहुल त्रिपाठी, ये कुछ मोटे मोटे ऑप्शन हमारे सामने हैं, मतलब मेन ऑप्शन है। इसके अलावा डोमेस्टिक से भी काफ़ी सारे प्लेयर आएंगे, मतलब 800 से 900 प्लेयरों ने रजिस्ट्रेशन करवाया इंडियन प्लेयर्स ने, तो उनमें से काफ़ी सारे प्लेयर हैं जो कि विजय हजारे में अच्छा करके आ रहे हैं, तो रणजी में अच्छा करके आ रहे हैं, तो वहाँ से भी ये प्लेयर्स उठा सकते हैं। तो मेन तो मोटा मोटा तो ये रहेंगे, 7-8 प्लेयर्स हैं, इनमें से भी ये मिडिल ऑर्डर के लिए कम से कम 2-3 प्लेयर तो खरीदेंगे, वो भी मैक्सिमम ये इंडियन प्लेयर ही खरीदेंगे, जिसमें जो ये हमने नाम बताया आपको, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, सुरेश रैना, केदार जाधव, मनीष पांडे, नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी, इनमें से 2-3 प्लेयर ये जरूर खरीदेंगे। इसके बाद बात करेंगे बॉलिंग या ऑलराउंडर्स की, तो इनके लिए इसमें ऑप्शंस की अगर बात करें तो ट्रेंट बोल्ट हैं, डीजे ब्रावो हैं, पैट कमिंस हैं, रायले मेरेडिथ, मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल, इसके अलावा मार्क वुड हो सकते हैं, यूजी चहल हो सकते हैं, रबाडा हो सकते हैं, सुंदर हो सकते हैं, केन रिचर्डसन, होल्डर, नटराजन हो सकते हैं, इसके अलावा मॉइसेस हेनरिकेज, आवेश खान, शार्दुल ठाकुर, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, दीपक चाहर, ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनमें से कम 4-5 प्लेयर ये खरीदना चाहेंगे क्योंकि ये मोस्ट प्लेयर्स हैं, 2021 के सीजन के हीरो हैं और मतलब काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं ये, तो इनसे टीम बन जाएगी, तो 4-5 प्लेयर अगर ये खरीद लेते इनमें से तो इनकी टीम जो है ना वो बन जाएगी अच्छी। इसके अलावा बात करें, अब ये तो रहा कि कौन से ओपनर्स को इनको टारगेट करेंगे, कौन से मिडिल ओवर और कौन से मतलब हम कह सकते हैं कि ऑलराउंडर्स और बॉलर्स। अब बात करें कि ओवरसीज स्लॉट इनके पास में कितने हैं, तो 7 ओवरसीज स्लॉट इनके पास में खाली है क्योंकि 8 आपकी टीम में मैक्सिमम 8 ओवरसीज प्लेयर्स हो सकते हैं, तो 7 स्लॉट खाली है क्योंकि मैक्सवेल को इन्होंने रिटेन किया। तो इन 7 स्लॉट्स के लिए यहाँ पर हमने एक मतलब कुछ लिस्ट बनाई है जिसमें दोस्तों डेविड वॉर्नर, क्विंटन डिकॉक, रासी वंडर डुसन, जॉनी बेस्टो, मिचेल सैंटनर, ट्रेंट बोल्ट, पैट कमिंस, केन रिचर्डसन, जेसन रोडर और कगिसो रबाडा, इनमें से 2-3 प्लेयर जरूर से खरीदेंगे ओवरसीज ऑप्शन के लिए, 2-3 खरीदेंगे और बाकी के जो है ना वो डोमेस्टिक से खरीद सकते हैं जो कि ओवरसीज प्लेयर्स आएंगे। इसके अलावा 20 लाख की बेस प्राइस से, 50 लाख की बेस प्राइस से जो भी आएंगे उनको खरीदेंगे। इसके बाद इंडियन प्लेयर्स की बात करें तो इंडियन प्लेयर्स की भी लिस्ट हमारे सामने है, तो इंडियन प्लेयर्स में जो मेन टारगेट है ना इनका रहेगा, मेन रहेगा सूर्य कुमार यादव पर, श्रेयस अय्यर पर, मनीष पांडे पर, राहुल त्रिपाठी पर, के एस भरत पर, यूजी चहल पर, हर्षल पटेल पर, देवदत्त पड़िक्कल पर, शिखर धवन पर, अक्षर पटेल पर, शार्दुल ठाकुर पर और दीपक चाहर के ऊपर। और इन इंडियन प्लेयर्स में से 7-8 इंडियन प्लेयर ये जरूर से खरीदना चाहेंगे, 7-8 प्लेयर ये जरूर से खरीदना चाहेंगे, इसके अलावा 20 लाख 50 लाख के बेस प्राइस वाले इंडियन प्लेयर्स ये खरीदना चाहेंगे। तो कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ में ये टीम उतरने वाली है ऑक्शन में। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों अब आपके हिसाब से आपका दिमाग क्या कह रहा है, किस पर दाव लगाना चाहिए, किस पर दाव नहीं लगाना चाहिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।